well, जो टैगलाइन है फिल्म की आई थिंक इट डिस्क्राइब्स इट क्वाइट वेल कि दोस्त से जा एक मिनट सॉरी किसी का ही बंद है वो बॉक्स में नहीं है अभी ओके 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 फिर से स्टार्ट फिर से पूछो ये ऐसे हम लोग ऑडिशन करते जब किसी एक्टर को नहीं लेना है ना तो ऐसे कैमरा था रोलिंग होता नहीं है जो फिल्म की टैगलाइन आई थिंक वो काफी अच्छे से डिस्क्राइब करती है दोस्त से थोड़ा ज्यादा लेकिन गर्लफ्रेंड से कम आई थिंक कई रिश्ते ऐसे होते हैं लोग करीब आ जाते हैं दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पूरे रिलेशनशिप भी नहीं बन पाते तो आजकल ऐसा काफ़ी कॉमन है सिर्फ उस रिश्ते को नाम दिया है हुआ है होता रहता है अभी भी आज ही मैंने अभी वीडियो बना के लगाया है कि मेरे को जैकलिन लगता है वो एक फिल्म मैंने लिखी थी किक तो उसमें वो काम करती थी और मेरी उनसे बड़ी दोस्ती हो गई और मेरे को बहुत ही लाइक उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि पर मुझे पता है कुछ ज़्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है तो वो दोस्त से थोड़ा ज़्यादा है गर्लफ्रेंड से काफ़ी कम है पर है वो भी हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक शायद मेरी जिंदगी मेरी हर एक्स गर्लफ्रेंड मेरी हाफ गर्लफ्रेंड रही क्योंकि आज तक है क्योंकि यानी दोस्ती से तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली है पर मुझे हमेशा लगता है कि आपके साथ वो जो पल आपने बिताए उनके साथ वो जो मोमेंट्स थे वो आपके अपनी लाइफ से एम्पिटेट तो कर नहीं सकते शायद उनको चोरी करके आपकी फिल्मों में डाल सकते हैं बट तो वो हर एक रिलेशनशिप जो मैंने जिंदगी में जी है वो कहीं ना कहीं हाफ गर्लफ्रेंड स्टेटस पे छूट गई एक्चुअली चेतन जी आए थे मुझे जब बुक रिलीज के पहले और एक जिसे प्रूफ रीड कहते हैं एक कॉम बाइंडेड किताब लेके आए थे जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी तो पहले जब उन्होंने दी थी मुझे लगा था कि हाफ गर्लफ्रेंड आई मीन मैं तो थोड़ी फ्रिवलस सी पिक्चर होगी मुझे लगा कि मैं आशिक की विलन बनाने वाला डायरेक्टर हूँ तो मेरे पास क्यों आए तो जब मैंने पढ़ा आई रियलाइज दैट इस कैरेक्टर में वो एक इंडियन सी लव स्टोरी थी हमारे रूट से कनेक्टेड थी ये कहानी और इसका सोशल इशू जो था जो इंग्लिश ना बोलने का और एक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है गोइंग थ्रू दैट सिमिलर प्रॉब्लम बट ऑल्सो इट हैड दैट एंग्स एंड इमोशन दैट जो अक्सर मेरी फिल्मों में होता है सो आई थिंक इट वॉज मोर हिज जीनियस टू कास्ट मी इन द फिल्म एंड टू एक्चुअली यू नो डिसाइड टू पुट मी एज डायरेक्टर इन दिस थिंग तो वो सब आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा जो एक टिपिकल मोहित सूरी फिल्म में देखते हैं बट इसमें चेतन भगत का फन और कॉलेज और लाइफ भी है आई थिंक कई बार ऐसा हुआ है लाइक ऐसे एक नहीं है बहुत सारे मोमेंट्स हैं स्पेशली जो दो लाइक जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप हमारा कहाँ है और जैसे लड़के कई बार उकसाते हैं कि इफ़ अगर लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो रही है इसका मतलब वो सीरियस नहीं है मेरे साथ ऐसा हुआ है लड़कों ने मुझे उकसाया इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ऐसे और जैसे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं उन्हें सब पता है लड़कियों के बारे में पर वो ऐसे मतलब फिल्म में डायलॉग भी है हम जहाँ से आते हैं वहाँ एक ही तरीका है जानने का लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं वो जानने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा बहुत बुरा रहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दोनों एक्टर्स का काम फिर भी तीन बार इससे फिर भी मैंने श्रद्धा के साथ तीन बार पिक्चरें की है और अर्जुन को मैं ऐसे ही प्रेज करते जा रहा हूँ खामखा क्योंकि बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आया उनके साथ काम करने में ऐसा कोई कभी अपने आर्टिस्ट की बात भी कहेगा बट जोक्स अपार्ट आई थिंक यू नो अर्जुन हैज़ वो इमोशनल इम्पल्सिस उनमें हैं जो मुझे इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे जो और आई एम ग्लैड आई कास्ट हिम बिकॉज यू नो एक्टिंग रोल कैरेक्टर डिक्शन वो हम सिखा सकते हैं और स्टाइलिंग करके लुक बना सकते हैं बट वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो एक आदमी अपने साथ जीता है वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाते एंड दैट इज़ समथिंग दैट अर्जुन नेचुरली वॉज लाइक उनके जैसे वो उनकी माँ ने उनको बड़ा पला बड़ा किया उनको किन्होंने कैसे अपना वेट लूज करके उन्होंने कहा था कि जब वो मोटे थे उनको कोई लड़कियाँ मिलती नहीं थी तो उन्होंने वेट लूज़ किया और जाके ऑडिशन की टू इन यशराज टू बिकम एन एक्टर सो ही हैड ऑल द थिंग दैट माधव झा का कैरेक्टर एक्चुअली था जो यू नो उनकी माँ उन रॉयल फैमिली से तो है बट वो ही डजंट टेक इट फॉर ग्रांटेड और फिर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको बड़ा करती है फिर उसके बाद वो कैसे बास्केटबॉल के थ्रू स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री सो ऑल दीज थिंग्स वर व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द कैरेक्टर एंड आई गॉट मुझे याद है सेट पे एक दिन मैं यू नो हम सब यू नो सीन अच्छा होता है बुरा होता है एफिशिएंट होता है अच्छी एक्टिंग होती है बट कभी कभी वो सीन छूती इस लेवल पे छू लेती है कि आपको आपका काम आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है आई मीन हमारे प्रोफेशन में लेट नाइट्स ऑड आवर्स आई मीन ये लोग दिल्ली में हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो इतनी धूप थी इतनी गर्मी थी एंड सब कभी मैं अपने आप को पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि वाई डू वी मेक फिल्म्स हम ऐसे क्यों करते हैं फिर जब वो ऐसा एक परफॉर्मेंस एक सेट पे आता है यू फील दैट दिस वाज द रीज़न आई मेक फिल्म्स
जब कोई परफॉर्मेंस आपको पर्सनली छू लेती है, इट्स नॉट अ नीड नॉट बी एन इमोशनल सीन, इट कुड बी अ फनी सीन, बट आपको लगता है कि ये हाँ मैं इसलिए पिक्चरें बनाता हूँ. आई हैड मेनी सच इंस्टेंसेस लाइक इन द फिल्म, स्पेशली दिस वन सीन जब क्लाइमैक्स में जब वो लड़की की तरफ भाग रहा है और उसका दोस्त उसको फाइनली जो उसके अगेंस्ट है जब उसको बोलता है कि जा हमारा नाम जाके रोशन करो, दैट रियली टच मी, सो दैट आई वाज प्राउड ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर दैट ऑफ दिस जी. हां, तो इस मूवी में ऐसा कोई सॉन्ग है जो आप डेडिकेट? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, नॉट ओनली टू माई वाइफ बट टू एवरी हाफ गर्लफ्रेंड दैट आई हैव एवर हैड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनसे रिश्ता तोड़ नहीं पाता. और उसके जो लिरिक्स कहते हैं कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम रहे ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो कि हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा. आई थिंक दैट इज द सम अप फॉर एवरी रिलेशनशिप दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट नॉट ओनली टू माय वाइफ बट ऑल द हाफ गर्लफ्रेंड्स आई हैव आउट देयर. नहीं, आई थिंक दे टेकिंग इट इन द इंटरप्रिटेशन इन द रॉन्ग वे. आपको लगता है हाफ गर्लफ्रेंड वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और फ्रेंड जोन वाला कैरेक्टर है, जो एक्चुअली ये है नहीं. यू नो, कॉलेज में हाफ गर्लफ्रेंड वो लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड था कि दोस्त कहते कि अगर आप तुम्हारी क्या लगती है वो, तुम उसके साथ घूमते फिरते हो, ये करते हो, बट बॉयफ्रेंड का कोई तुमको स्टेटस है नहीं, तो व्हाट इज दिस रिलेशनशिप. बट सेकेंड हाफ में जब ये दोनों एक जब ये इनको सिखाने आती है एंड देर इज मच मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट, पर वो पर उनका कोई रिलेशनशिप ऐसा है नहीं, पर फिर भी उसका उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक औरत है जो उनको काबिल बना रही है, उनको सपोर्ट कर रही है. तब हाफ गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो दैट इमोशनल एंकर, इट बिकम्स दैट ऑल्सो. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने की बात नहीं, ये एक नया वर्ड है जो चेतन जी ने मुझे लगता है रीडिस्कवर किया है. मेरा मानना है कि आज अभी कोई ट्रूथ नहीं है जो हमें वापस नया डिस्कवर करते हैं, वी जस्ट रीडिस्कवर ओल्ड ट्रूथ्स. ये सच एक है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोग में ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ उनको नाम नहीं दिया गया था, एंड टुडे चेतन हैज़ गिवन इट अ नेम. मैंने पर्सनली एक मैसेज हमारे जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजा था, करण है उसका नाम, कि पर्सनली थैंक एवरी यूनिट मेंबर और जूनियर आर्टिस्ट जिसने इस पिक्चर में काम किया. आपने देखा कॉलेज में कितने बच्चे, रोज 100-100 बच्चे आते थे, और उस धूप में उस हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, हम लोग तो फिर भी हमको पंखे मिल जाते, बट दिस पीपल आर वर्किंग. माई होल फीलिंग जब हम लोग वहाँ प्रमोशन कर रहे थे और इतनी धूप थी, ये लग रहा था कि कितनी मेहनत उन लोगों ने भी इस पिक्चर में की है. So I personally asked him to send a message to every one of them and to thank them because of being a part of this. It's very different, obviously quite difficult. Ek film ko pura bante dekha itni kareebi se, and I think I have new appreciation for all departments of filmmaking. Ek meri 5th-6th film mein tab itna kabhi value nahi hua. It's much more harder because ye aapko actually karna hai wahan, to aapko kalam aur kagaz leke baithna hai ya computer pe baithna hai. Yahan to actually ek duniya create karni hai, ek sahi budget mein create karni hai, sahi time mein create karni hai. So it gets very difficult. कैसी फीलिंग आप बहुत पूछते हो. फीलिंग अच्छी है, फीलिंग तो अच्छी होती है, ये तो अच्छी बात है. आई थिंक फिल्म एडिशन हम करते हैं, हर बुक का करते हैं, उससे एक अच्छा एक सेलिब्रेशन मोमेंट है, एक अच्छा लगता है. आई वुड लव टू डू बायोपिक्स, आई वुड लव टू, आई थिंक मे बी वन ऑफ द पोलिटिकल फिगर्स, पर मैं खुल के लिखना चाहूंगा, ऐसे बंदिश के साथ नहीं. You know, ये मैं आपके अपनी नेक्स्ट पिक्चर की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, ऐसे अगर मैं आपको बता दूँ मैं क्या उनसे बायोपिक बनाना चाहता हूँ. बट नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ. मैं जब मैं एक पिक्चर में हूँ, मैं उसमें ही घुसा हुआ रहता हूँ, और मुझे मैं पिक्चर ऐसे सोच के नहीं बनाता. देर वॉज नो रीजन टू थिंक एंड मेक हाफ गर्लफ्रेंड, इट वॉज नॉट, इट वॉज मैं जो बिकॉज मुझे मेरा मानना है कि एक पिक्चर जब आप बनाते हो, इट्स गोइंग टू लिव विद यू फॉर एटलीस्ट, अभी तो 2 साल लगते बनना, फॉर 1 ईयर एटलीस्ट आपके साथ वो पिक्चर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहने वाली है. तो आई कॉन्ट प्री जज कि इस लड़की को मैं डेट करने वाला हूँ. जब प्यार हो जाएगा किसी स्क्रिप्ट से तो मैं वो बना लूँगा, बट आई डोंट हैव दिस होल फिक्स फॉर्मूला कि अभी मुझे ये बायोपिक बनाना है या ऐसा कुछ करना है. आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला, एंड आई एम नॉट फॉर एनीथिंग एल्स यू नो टू नो कि एक अक्सर ये कहता था कि साउथ की पिक्चर नहीं चलती है यहाँ पर और ऐसा नहीं चलता, बट टुडे यू सीन द होल कंट्री कम टुगेदर ऑन डिफरेंट लैंग्वेज. दिस इज व्हाट इंडिया इज. इंडिया हैज़ द नंबर्स, सिनेमा हैज़ ग्रोन बिकॉज ऑफ दिस ऑफ फिल्म लाइक दिस, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट. के शायद यू नो दिस विल जस्ट ओपन अप के लोग सोच सकते हैं कि इतने कलेक्शन एक पिक्चर को मिल सकती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक फिल्म ने पूरी कंट्री को यूनाइट किया है ऑन डिफरेंट लैंग्वेज, एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज. वेल टू बी ऑनेस्ट, पूरा ये जर्नी एक लाइन में सम अप करना मुश्किल है, क्योंकि इट हैज़ बीन वेरी मूविंग फॉर मी द रिलेशनशिप आई फाउंड इन दिस. माई रिलेशनशिप विद चेतन इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक एन एल्डर ब्रदर एनी थिंग, विद माई यूनिट जो सब
कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इस पिक्चर पे होल्ड पर लग के उनको ये पिक्चर बनानी थी. तो मैं ये सब ये चाहता हूँ कि ये फिल्म, आई मीन ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैटर अ लॉट एंड यू वांट मोर मनी क्योंकि आपको फिर और पिक्चरें बनाने को चांस मिलता है. बट व्हाट आई वुड लाइक इज ये पिक्चर लोगों के दिल में रहे. मैं आज भी कहीं भी जाता तो लोग मुझे आशिकी के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट दैट. आशिकी एक 100 करोड़ वाली फिल्म थी नहीं, सो आई वुड प्रेफर दैट लोग 10 साल लेटर भी मुझे हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने और दे टेल मी व्हाट अ गुड फिल्म इट वाज.